जैसे हमने सुना लोगों से कि जब आपने अपनी 10+2 कंप्लीट कर ली थी तो आपने संन्यास लेने का भी मन बनाया था एक बार, तो सर उसके पीछे की क्या वो रही थी कि आपने संन्यास लेने का मन बनाया? वो देख बताओ क्या सर। ऐसा है, जी हमने जब नागालैंड में रिजाइन किया था जी तो हम सीधे चले गए बंगलोर, जी और हमने ये निश्चय किया कि जी हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज मैं प्रेम बघेल आज फिर नए एक एपिसोड के साथ आपसे जुड़ने जा रहा हूँ। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो यूपी के फिरोजाबाद क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। मैं बुलाना चाहूँगा आज अपने गेस्ट को, डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी को, अपने चैनल पे। आइए सर, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सर से बात करेंगे, सर की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में और सर की बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे जो उनका राजनीति का सफर रहा है। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वी रियली नीड योर सपोर्ट, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सर आज मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। और सर हमारा जो चैनल है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो भी युवा या लोग आ रहे हैं राजनीति में, रुचि बना रहे हैं, वो आपकी जो जीवन की एक जर्नी रही है पॉलिटिक्स में, आपका जो संघर्ष रहा है, एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने के बाद आपने आज पार्लियामेंट का एक चुनाव जीत कर आप सदन में आज रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो सर उससे लोगों को सीखने को मिलेगा, युवाओं को सीखने को मिलेगा और एक सही दिशा मिलेगी आपकी जर्नी से। तो सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सर मैं आपकी राजनीतिक जीवन की बात करूँगा तो आपके राजनीतिक जीवन से पहले हम आपके व्यक्ति जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में बात करेंगे। सर आपका बचपन कैसा रहा और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन का स्वागत है। थैंक यू सर। मैं एक किसान का बेटा हूँ, जो हमारा गांव है वह जिला फैजाबाद में तहसील सिंचाई में पड़ता है, और मैं BSc 1969 में करने के बाद नागालैंड चला गया, और नागालैंड में मैंने एज ए साइंस टीचर 5 साल तक कार्य किया। 5 साल के बाद रिजाइन कर दिया और वापस घर चले आए। जब घर आ गए तो सोचा अब क्या करें, नौकरी छोड़ा है, तो जी मैंने ये BMS का कोर्स 5 साल का किया, और जी कोर्स करने के बाद अपनी क्लिनिक सेसागंज में स्थापित की। लोगों जी ने कहा क्या प्रैक्टिस चलेगी, यहाँ से बहुत बड़े बड़े सूर्य डॉक्टर पहले से ऑलरेडी हैं। मैंने अपना धैर्य नहीं खोया और मैं क्लिनिक में बैठने लगा। हमारी क्लिनिक इतनी चली, लाइन लग के चली, सौ 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 मरीज डेली आते थे। फिर मेरे दिल में एक भावना जागी कि पहला मरीज फ्री कर दूं, तो मैंने जो है पहला मरीज मेडिसिन एज वेल एज एडवाइस बहुत फ्री कर दी, और लोग जो है आने लगे, जो गरीब थे वो लाभ पाने लगे। उसके बाद जो है मैंने जिला मैनपुरी के जिलाधिकारी आए और उन्होंने कहा राजनीति में आ जाइए। हमने कहा हम डॉक्टरी का राजनीति से क्या संबंध है, हम नहीं आएंगे। तो जिला फरीदाबाद के जिला से चाहे, उन्होंने कहा नहीं आपको आना होगा, और हम जो है जबरन जबरन ब्लॉक अध्यक्ष मदन पर के पहली बार बनाए गए। 2 काल हमने पूरे किए ब्लॉक अध्यक्ष के मदन पर के, उसके बाद हम जो है जिला की कार्यकारिणी में आ गए। जिला की कार्यकारिणी में आने के बाद जो है जिला उपाध्यक्ष बने, जिला महामंत्री बने, क्षेत्र में कार्यकारिणी सदस्य बने, और
प्रदेश में हेल्थ में जाके जिला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बने। फिर उसके बाद हमने सोचा कि राजनीति में देख लें क्या होता है। 96 में हमने मेरा जब बलौदे से मात्र तब टिकट मांग लिया, और इसलिए माना कि साधन मिल जाए जी, और टिकट मिल भी गया। अच्छा, टिकट जब मिल गया तो हमारे जो है महामंत्री संगठन आए, उन्हें कहा चुनाव आप जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, आपको ये ढीला ढीला चुनाव न लड़े, तमंदारी से चुनाव लड़िए। और उसमें हुआ, हम जीत ही रहे थे। तो हमारे जो विरोधी जो थे वो सब इकट्ठे हुए, सपा बसपा कांग्रेस, और उन्होंने ये 20 पोलिंग का बहिष्कार करा दिया। गलत किया, वही जब बहिष्कार हो गया जी। लेकिन हम हारे तभी, पांचों विधानसभाओं में जितने लोग हारे थे उससे कम अंतराल से हारे, मात्र 7,500 वोट से हारे जी। और कोई कोई की करेल में जमा जब्त हो गई, भवा में हारे है 10,000 से, मैं भी हारे अधिक से, और जसराना में भी इस तरह हार गए। लेकिन हम जो हारे वो कम अंतराल से हारे, लेकिन हमने किसी पर आरोप नहीं लगाया, बहुत कम मार्जिन से हारे। हमने सीखे, हमारे जो मुकदमे में ही लिखा था चलो कोई बात नहीं आगे देखेंगे। इसके बाद जो है हर बार हमारा नाम जो है प्रदेश में जाता रहा चुनाव के समय का, लेकिन बाद में करता रहा। और चुनाव घोषणा हुई, अखबार में आ गया कि अब चुनाव होंगे विधानसभा के, आपका नाम फाइनल होगा। लेकिन नहीं, हर बार करता रहा, लेकिन हमने अपना धैर्य नहीं खोया। और 23 साल बाद हमें दोबारा टिकट एमपी का मिला। आपने जी जो चुनाव में लड़ने के लिए कहा गया, अब जो हमारे जो रामलाल जी है राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से, उन्होंने कहा आपको चुनाव लड़ना है और जीत के आना है, निश्चय आपका आदेश है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चय ही जीत के आएंगे। फिर लोगों को पूछा गया, लोगों ने सबने ये यही रिपोर्ट दी कि हार रहे हैं। विजयपाल सिंह तोमर जो है राज्यसभा सांसद थे, उन्हें भेजा गया, उन्होंने कहा नहीं जीत रहे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा तुम कहते जीत रहे हो, किसी को कोई नहीं कह रहा जीत रहे नहीं। उन्होंने कहा दोबारा भेजा गया उनको, वो दोबारा आए, उन्होंने कहा जीत रहे, और उनकी भविष्यवाणी सिद्ध पक्की सिद्ध हो गई और हम जीत रहे। सर, आपने संगठन में भी काम किया, बहुत ही ऊंचे स्तर पे आपने काम किया, तहसील से लेके, जैसे हमें पता है जिले से लेके प्रदेश तक आपने संगठन के अंदर काम किया है। तो सर, संगठन के अंदर काम करना ज़्यादा मुश्किल है या एमपी एमएलए बन के काम करना ज़्यादा मुश्किल है? देखो जी, देश के लिए कुछ करना है जी तो संगठन के माध्यम से होता है जी। जो व्यक्ति संगठन में काम करता है जी वो डिसिप्लिन्ड होता है जी, अनुशासित होता है जी। वो ऐसा काम कोई नहीं करेगा जिसे अनुशासन भंग हो जी। वो जो डायरेक्ट आते हैं राजनीति में जी, वो कुछ कुछ नहीं जानते हैं जी। उनका तो ये आए मौज मस्ती लो, आगे बढ़ जाओ। आज ही हम जो है माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे जी, तो उन्होंने उनसे यही कहा था जी कि हम तो ये सांसद नहीं है, हम तो सेवक हैं जी, और मतदाताओं से यही कहते हैं कि आप सभी सांसद हो। सर, आपको पहला चुनाव लड़ने का मौका मिला 1996 में, जैसा आपने बताया 1996 में आपने पहला चुनाव लड़ा। तो सर, पहले चुनाव से आपको क्या लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपका जीवन का, क्या उससे आपको आगे के चुनाव लड़ने के लिए क्या कहीं ना कहीं निराशा हुई कि हाँ भाई चुनाव हारा हूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा आगे राजनीति का सफ़र? तो हम चुनाव हार गए जी, और पुनः क्लिनिक पर बैठने लगे जी, हमारे समाजी लोग आए जी, बोले आपके चेहरे पे फिर भी सिकन नहीं है। अच्छा, आपने हारने के बाद भी क्लिनिक नहीं छोड़ा? अच्छा, फिर से क्लिनिक जो बैठने लगे। अच्छा, आपके चेहरे पे बोले सिकन नहीं है जी, आप खुश हो जी, खुश हो गए हैं अब भी जी। हमें चुनाव में हारना जीतना तो ईश्वर के हाथ है जी, अब आगे फिर लड़ेंगे, घोड़े से सवारी की है और गिर गए तो फिर चढ़ेंगे, क्या परेशानी है जी।
सर 1996 के बाद आज आपको 2019 में संसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो सर जो इतना लंबा पीरियड का गैप रहा, तो सर इतना आपको निराशा नहीं हुई पार्टी से कि इतने लंबे समय बाद आपको पार्टी ने टिकट दिया, उस बीच में आपको पार्टी ने कहीं से लड़ाया नहीं, तो इस बात का कहीं निराशा थी दिल में? 1996 के बाद जब पुनः विधानसभा चुनाव हुआ तो जी हमारा नाम फिर डिक्लेयर हो गया, जी लेकिन यह पैक्ट हो गया जनता दल, जनता अच्छा, आपका नाम दल डिक्लेयर हुआ था, हाँ ओके दल पैक्ट हो गया, तो जी टिकट पैक्ट में चली गई, और जी अच्छा पै ओके पैक्ट में चली गई तो जी यह वो फिर वो गठबंधन में पैक्ट ही, में टिकट गई तो तो वो कैंसिल हो गया लड़ना। तो जगमोहन को दे दी टिकट, अच्छा जगमोहन जी को दे दी। जगमोहन यादव को, जी। और बसपा से आगे जयवीर सिंह, जी जयवीर सिंह जीते। फिर जी दोबारा फिर चुनाव को विधानसभा का, तो हमारा टिकट फिर डिले हो गया जी और टिकट मिल गया सुजान सिंह यादव को, पैक्ट फिर हो गया जनता दल से, और जी जयवीर सिंह टिकट फिर मिल गई। जयवीर सिंह से पैक्ट होने के कारण 2 बार विधायक रहे बसपा से, अगर जी पैक्ट नहीं होता तो कभी विधायक नहीं बनते, तो जी मैं ही बनता। जी बिल्कुल लेकिन जब उनका भाग्य फिर पैक्ट हो गया जनता दल से, जी यादव जो 2 हो गए, ठाकुर 1 हो गया, दोनों बार जी जीतते रहे। सर जैसे हमने सुना लोगों से कि जब आपने अपनी 10+2 कंप्लीट कर ली थी, तो आपने संन्यास लेने का भी मन बनाया था एक बार, तो सर उसके पीछे की क्या वो थी कि आपने संन्यास लेने का मन बनाया? वो वह बताओ सर। ऐसा है, जी हमने जब नागालैंड में रिजाइन किया था जी तो हम सीधे चले गए बंगलौर, जी और हमने ये निश्चय किया कि जी आप जो है सत्य साई बाबा से जी उनसे दीक्षा लेंगे और यहीं रहेंगे। अच्छा लेकिन हम वहाँ 41 दिन रहे जी और उन्होंने हमें दीक्षा नहीं दी। अच्छा उनका नियम ये था कि मंदिर के बाहर जो है एक साइड में लेडीज एक साइड में जेंट्स बैठते थे, जी और वो आए बाहर निकल के तो इशारा करते थे उंगली से, तुम उठो तुम उठो, अच्छा कोई वो उठ नहीं सकता। और ये ब्राह्मण जी बैठ सब बैठते थे, बाबा जी का ये था वो बताते थे आप किस काम के लिए आए, उसमें हम बोलते थे, पूछते नहीं थे। जब हमारे 40 दिन हुए तो हमें टाइम बहुत हो गया, हमारा नंबर नहीं आ रहा, हम जी बस खड़े हुए हैं, जी हाथ जोड़े बाबा जी वहाँ लेके आ दिए से ले घर जाओ, अच्छा आपको दीक्षा दीक्षा नहीं दी गई? अच्छा नहीं दी, घर जी भेज दिया। जी ये जब घर आए वापस तो फिर 5 साल पढ़े जी और शादी भी उसके बाद ही हुई है। जी सर आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, आपने संगठन में इतने लंबे समय काम किया है, तो सर संगठन में जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा हो जाती है हमें पार्टी को लेकर, कि अगर हम इस पार्टी में ही बने रहे, तो एक होता है कि है ना कुछ जब तक प्राप्त नहीं होता हम उस चीज़ को अपने से वो नहीं क्लोज नहीं करते, या उस चीज़ के प्रति अपने स्नेह प्रकट नहीं करते, तो सर आपने इतना लंबे समय पार्टी के साथ लगे रहे, तो सर वो आरएसएस की वजह से था या बीजेपी में आप काम कर रहे थे उसकी वजह से था? आरएसएस से संगठन के प्रति गद्दारी न जी करने का सबक मिलता है। जी जब हम बीजेपी में थे तो जी हमारा उद्देश्य ये था जी कि पार्टी ने जब हमको 1996 में जब हम मात्र ब्लॉक अध्यक्ष थे तब टिकट दे दी है, तो जी पार्टी ने तो अच्छा ही काम किया हमारे लिए, तो जी हम पार्टी से गद्दारी क्यों करें। हमारा बिल्कुल दृढ़ निश्चय था हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, जी पार्टी में रहेंगे चाहे टिकट मिले या नहीं न मिले। मिले। जी सर आपकी राजनीति में आपका कोई इंस्पिरेशन आइडल रहा है आपको, जिसको देख के आप प्रेरित होते थे कि हाँ ये मेरी इंस्पिरेशन है, या कोई भी जैसे बच्चा होता है बच्चे को क्रिकेटर बनना है या पायलट बनना है, तो वो किसी एक को देखकर अपनी जीवन जीना शुरू कर दे, जैसे क्रिकेटर बनना होगा क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो वो सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहेगा, आपका राजनीतिक जीवन रहा है तो राजनीति में आपका कोई आइडल रहा है कोई इंस्पिरेशन? जी श्रीमान राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह जी आपकी रहे। इंस्पिरेशन रहे हैं, उनके काम से आप प्रभावित रहे हैं। जी तो सर राजनाथ सिंह जी के साथ कभी आपकी कोई खास मुलाकात जो आपको याद हो, बेस्ट मोमेंट्स? ऐसा है, जी 1996 में जी वो हमारे चुनाव प्रचार में आए थे, तब अच्छा आपके प्रचार में आए थे। जी से हमारा संपर्क उनके बराबर है, जी तो आज भी आपका उनसे संपर्क बरा, साल में 2-4 बार मिलते ही हैं। ये खुशी की बात है सर।
सर आपने बचपन से लेके अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटी है या कोई आपका इंटरेस्ट रहा हो, कोई योगा या कोई स्पोर्ट्स जो आप बचपन से लेके आज तक फॉलो करते हो? हम बैडमिंटन खेलने के शौकीन थे। आप बैडमिंटन खेलते थे तो अभी आज खेल अभी खेलते कोई फिजिकल तो एक्टिविटी? जब अभी रेस्ट हो गया, अच्छा, रेस्ट हो गया अब पर बनी रहनी चाहिए जिससे व्यायाम करते फिजिक। हैं। अच्छा, व्यायाम करते हैं आप? व्यायाम डेली 4 बजे उठते हैं जी अभी, जी और जो है सुबह दो जी तीन गिलास पानी पीते हैं, जी फिर जो है वज्रासन से बैठते हैं, और वज्रासन से बैठने के बाद फिर फ्रेश होते हैं, जी नहाते धोते हैं और ये पढ़ करते फिर हैं। दिनचर्या शुरू करते हैं। सर आपका राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा रहा है, तो सर जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी जर्नी देख रहे होंगे, सर उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग युवा रुचि बना रहे हैं राजनीति में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से? मैं चाहता हूँ ऐसा था 2019 से पहले जो जी भी प्रत्याशी एमपी के लिए आते रहे जी या एमएलए के लिए आते रहे, जी तो जिन लोगों को वरिष्ठ लोग से टिकट नहीं मिला तो जी वो उदासीन होकर घर बैठ गए थे, जी और युवा आगे आ रहे थे। जब जी हमको टिकट मिला तो जी पुराने और नए सब एक हो गए एक हो गए, संग सब सब में उमंग थी जी और मैं दोनों के लिए सेतु बन गया। जी आपसे काफ़ी स्नेह रहा दोनों पक्ष का। हमारे स्वभाव से व्यवहार से सिंपल सिंपल जो वेशभूषा से पूरा जिला प्रभावित था। जी हमारे जिला में कोई हमारे खिलाफ नहीं था, सब हमारे साथ थे, इस कारण चुनाव जीते। सर कोई और संदेश देना चाहेंगे अपनी? आज भी जो है हम सब अपने मतदाताओं के आभारी हैं, जी आज भी ये हमको साथ दे रहे हैं। जी जो स्थिति 2019 में थी जी उससे बढ़कर वोट बैंक हमारा आज भी हमारे साथ है। धन्यवाद सर हमें अपना समय देने के लिए, और लाइफ ऑफ पॉलिटिशियन को अपना समय, मूल्यवान समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।